इसमें मेरा खुसरे का रोल है। प्योरली रोमांटिक फिल्म जिसमें मिकाल जैसे अगर हीरो हो जो रोमांस कर रहे हो ऑन स्क्रीन। कामरान भाई मेरे रोमांस का मजाक उड़ाते रहते हैं। बाकी लाहौर में कामरान शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी की म्यूजिक लॉन्च सेरेमनी का इनेकाद किया गया। जीसी यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा इस तकरीब में फिल्म की कास्ट जिसमें मिकाल जुल्फकार, सुहेल अहमद और ख़ुद कामरान शाहिद ने भी शिरकत की। इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी शरीक हुए। इस तकरीब के ज़रिए फिल्म के जो सफ़र है उससे मुतल्लिक गुफ्तगू की गई और साथ ही साथ इस फिल्म को जो ईद उल फितर पर ये रिलीज़ होने जा रही है उससे मुतल्लिक जो फिल्म की कास्ट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने अहम गुफ्तगू की। वो क्या गुफ्तगू है आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। गांधी जी पे किताब लिखी, गांधी एट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस दौरान ये रिसर्च की तो ये टॉपिक मेरे जहन में आया, इसके ऊपर किसी ने कभी लिखा नहीं था, तो मैंने कहा चलिए इसकी फिल्म बना देते हैं। लेकिन ये फिल्म पॉलिटिकल नहीं है, प्योरली रोमांटिक फिल्म जिसमें मिकाल जैसे अगर हीरो हो जो रोमांस कर रहे हो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। वो फिल्म एक रोमांटिक फिल्म, 11 गाने हैं, यू विल लव द म्यूजिक, अभी आपने सिर्फ 2 सुने, और इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान का एक ट्रेजेडी है उसको एक रोमांटिक एंटरटेनिंग वे में दिखाया कि जिसमें हमारा दुख भी सामने आ जाए और हमारा मजाक भी जरा कम उड़े। इसमें मेरा खुसरे का रोल है। और उस पर मैं कामरान शाहिद साहब के साथ सख्त नाराज हूं, इस उम्र में उन्होंने मुझे उजाड़ दिया है। मैंने आज इस्लामाबाद जाना था तो मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा मैं अभी होके आता हूँ कामरान के, वो वहाँ पे फंक्शन है ये, उसे भी पता है कि इसका बड़ा प्यार है, बिल्कुल भाइयों की तरह है। तो मुझे आते हुए कहती हैं कि फिल्म का आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा, अब हर चौक में ख्वाजा सरा खड़े होते हैं, वो आपके मद्दा बन जाएंगे। तो एक दौड़ है सारी लगी हुई, उसमें मैं आपको, मैं चूँकि अपने बच्चों के साथ भी बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ, वो किसी बुज़ुर्ग ने भी मुझे कहा था कि तुमसे लोग प्यार करते हैं, ये तुम पे अल्लाह की रहमत है, तो लाजमन कोई ऐसी बात भी ज़रूर किया करो। आज हालत ये है कि हम जुम्मे के मुसलमान हैं और जुम्मा पढ़ते हुए भी हम जब वो अरबी खुतबा शुरू होता है उस वक़्त हम जूती ढूँढनी शुरू करते हैं और जाके फटाफट जमात के साथ मिल जाते हैं। हम मौलवी की बात भी नहीं सुनना चाहते, ये हमारी बैड लक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो मैं उसे ये ज़रूर कहूँ कि खुदा के वास्ते अपनी सकाफत के साथ सिर्फ प्यार करें। कामरान भाई मेरे रोमांस का मजाक उड़ाते रहते हैं, बाकी फिल्म में काफ़ी रोमांस है जो मैं खुद भी देख रहा हूँ। डेफिनेटली इस तरह के प्रोजेक्ट जैसे नदीम साहब ने कहा, एंड जस्ट टू बिफोर आई गेट इनटू माय ओन जर्नी आई लाइक टू से कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के नेशंस को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी या ऑन जो जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर बतानी चाहिए, बिकॉज जैसे हम देखते हैं इंडिया और बॉलीवुड जो है पाकिस्तान को एक बहुत नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान चाहे वो सही हो गलत हो जो भी हो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर बतानी चाहिए ताकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया में जाए। सो क्रेडिट टू कामरान साहब एंड टू नदीम साहब। कामरान से आज से 3-4 साल पहले जब मुलाकात हुई और इनकी जब चीज़ें देखी तो उस वक्त से ही वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गई थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ नॉर्मल फिल्म। पाकिस्तान डू नॉट, एक तो हम फिल्में ही बहुत कम बनाते हैं और फिर इस किस्म की फिल्म बनाना, तो वो बहुत एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई थी कि यार इस पिक्चर के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए।